हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऋषु के टिप्स। आज मैं आपको एक कंप्लीट हेयर केयर सॉल्यूशन बताने जा रही हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा खान पान, बढ़ता हुआ पॉल्यूशन और हमारे रोज़ की टेंशंस इतना काफ़ी होता है किसी भी हेयर प्रॉब्लम को जन्म देने के लिए, जिसमें हमने सबसे ज़्यादा देखा है बालों का कम हो जाना, बहुत जल्दी सफ़ेद हो जाना, डैंड्रफ हो जाना और गंजापन हो जाना। ये सब आम बातें हैं, आज हर कोई फेस कर रहा है। इन सारे प्रॉब्लम को देखते हुए कोई सिर्फ बालों का गंजेपन का तेल बना रहा है, उसकी कोई रेसिपी ढूंढ रहा है, कोई सिर्फ आपके हेयर फॉल की ट्रीटमेंट ढूंढ रहा है, कोई सिर्फ आपके बालों को समय से पहले सफ़ेद होने के लिए ना हो उनकी रेसिपी ढूंढ रहा है। लेकिन आज मेरे आप इस एपिसोड में देखोगे कि मैंने एक कंप्लीट सॉल्यूशन आपको सब कुछ का दिया है, जिसमें आपके बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होंगे, आपके उसमें शाइनिंग, उसमें ग्रोथ, उसमें दो मुंह है बाल, और उनकी हेयर ग्रोथ बहुत अच्छे से आएगी। आप इसे पूरा मेरे वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए और मुझे ज़रूर यूज़ करके बताइएगा कमेंट में कि आपको मेरा ये ट्रीटमेंट कैसा लगा। आइए तो चलिए देखते हैं इसके इंग्रीडियंट्स। आज मैंने इसमें कुछ जड़ी बूटियाँ भी इस्तेमाल की हैं। ये जड़ी बूटियाँ बहुत ही आसानी से किसी भी शहर के किसी भी जड़ी बूटी की शॉप पर मिल जाएगी। आप उनको सिर्फ इनके नाम बता दीजिएगा, इनकी क्वांटिटी आप बता दीजिएगा, आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगी। और बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमारे रोज़ के किचन में ही मिलने वाले आइटम हैं। आइए तो चलिए देखते हैं हमने इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या लिए हैं। हेयर ऑयल बनाने के लिए हमने आधा लीटर तिल का तेल लिया है। हमने तिल का तेल इसलिए यहाँ पे यूज़ किया है क्योंकि तिल का तेल आपका सर्दियों में जमता नहीं है, आप गर्मी और सर्दी दोनों में इसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमने ये लिया है ये गुड़हल के फूल, 9 से 10 हमने ताज़े गुड़हल के फूल और उनकी 8 से 10 हमने इनकी पत्तियाँ ली हैं। गुड़हल का फूल बहुत ही अच्छा एक मैजिकल इंग्रेडिएंट है हमारे हेल्दी हेयर ऑयल के लिए। ये आपको बालों को अच्छा करता है, इनको बालों को काला करता है। इसके बाद हमने लिया है 1 बाउल करीब करी पत्ता। करी पत्ता आपको पता है ये एक मैजिकल इंग्रेडिएंट है, इससे इसमें सबसे ज़्यादा एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल क्वालिटी हमको पाई जाती है। अगर आपके सिर में डैंड्रफ है, पपड़ियाँ हैं, रूसी है, किसी किसी को स्कैल्प प्रॉब्लम भी होती है, ये बहुत फ़ायदेमंद है। फिर हमने ये लिया है आंवले। आंवले को हमने लिया है करीब 400 ग्राम, मतलब आधा लीटर तिल के तेल में हमने 400 ग्राम आंवला लिया है, जिसे हमने ये छोटे बारीक पीसेज में काट लिया है। और इनकी ये देखिए ये गुठलियाँ हमने ऐसे निकाल ली है, ठीक, और इनको काट लिया हमने। फिर हमने लिया है मेथी। मेथी हमारे बालों को बहुत अच्छी शाइनिंग देती है ग्रोथ में और बाल काला करने के लिए, हेल्दी हेयर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये है शिकाकाई पाउडर, ये भी है आपका करीब 50 ग्राम। इसमें हमने या तो आप मोटी शिकाकाई ले लो और या तो आप शिकाकाई पाउडर, दोनों ले सकते हो। ये स्पेशली फॉर शाइनिंग होता है। सबसे मैजिकल आइटम जो इंग्रेडिएंट है हमारा वो है ये कलौंजी, इनको हम मंगरेल भी कहते हैं। इनका भी जो क्वांटिटी है वो 25 ग्राम है। ये आपके बाल को काला करती है। जिनके बाल बहुत समय से पहले सफ़ेद हो रहे हैं उनके लिए ये इंग्रेडिएंट सबसे फ़ायदेमंद है। इसको आप भी करीब 25 से 30 ग्राम इसको भी ले सकते हैं। इससे आपके बाल काले होते हैं, उनमें ग्रोथ अच्छी आती है, शाइनिंग अच्छी आती है। उसके बाद हमने ये लिया है करीबन 10 ग्राम कपूर। कपूर का सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है कि एंटीऑक्सीडेंट होता है, इससे डैंड्रफ नहीं आता और ये सबसे ज़्यादा नए बालों को ग्रोथ करता है। अगर आपको जैसे ठंड में प्रॉब्लम आ रही है कि अगर आपको बाल आपके झड़ रहे हैं तो आपको ये आराम से इसको आप मिला सकते हैं, आपकी डैंड्रफ की सारी प्रॉब्लम इससे चली जाएंगी। मैं आपको कपूर का एक बहुत ही अच्छा घर में यूज़ होने वाला टिप देती हूँ। किसी किसी को बहुत ज़्यादा ना खुजली हो जाती है, कभी कभी रैशेज हो जाते हैं, दाद हो जाते हैं और अचानक से पूरी स्किन पूरी रेड हो जाती है, उस केस में आप कपूर लीजिए करीब 10 ग्राम और आप उसको एक 25 ग्राम या 50 मिलीलीटर वाली गरी की बॉटल में उसको मिला लीजिए, गरी के तेल में। उसको आधे घंटे आप धूप में रख दीजिए, वो उसमें पूरा अच्छे से मिक्स हो जाएगा, उसको हिलाते रहिए, ठीक। अब आप इसको दिन में 2 बार 3 बार लगाइए, आप देखिएगा आपके दाद खाद, खुजली, दाने, रैशेज या जो भी अनवांटेड आपको दाने वगैरह निकल आते हैं, आपको बहुत अच्छा ये एक टिप है। अब देखिए हमने जड़ी बूटियों में क्या लिया है। सबसे पहले हमने लिया है भृंगराज। इसकी भी इन सारी जड़ी बूटियों की क्वांटिटी हमारी 25 ग्राम है। इसको आप सबसे पहले इसको हल्का सा आपको देखना पड़ेगा क्योंकि इस तरह इसमें ना थोड़ी सी डंडियाँ आ जाती हैं, ये देखिए। तो थोड़ा सा आप इनको बिन लीजिए, थोड़ा सा साफ़ कर लीजिए कि इसमें मेन जो आपकी ये है, ये पत्तियाँ आपको मिल पाए, जो डंडियाँ हैं अनवांटेड उनको आप उसमें से रिमूव कर दीजिए। ये है आपका भृंगराज, ये भी आपके बाल बहुत घने करता है, काले करता है, उनको डैंड्रफ में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारी जड़ी बूटी है जटामासी, इसको हम बाल छड़ भी कहते हैं। बाल छड़ का एज अ नेम सजेस्ट कि ये बाल को झड़ने के लिए यूज़ होता है। ज़्यादातर जो बाल के ऐसे वाले जो तेल बनते हैं, जो लोग ऑयल बनाते हैं, उसमें वो इसी का यूज़ सबसे ज़्यादा करते हैं क्योंकि इसका नाम ही जटामासी है।
या बालछड़ है, ये बालों को रोकता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारा ब्राह्मी, ब्राह्मी भी हमने लिया है 25 ग्राम। ये बहुत ही अच्छा आपका स्ट्रेस रिमूवर है। हम लोग कहते हैं ना तेल लगा लो सिर में दर्द है, तेल लगा लो, क्यों कहते हैं कि आप तेल लगा लो तेल सिर में, तेल लगाने से फ़ायदा होता है, बिकॉज उसमें ब्राह्मी मिली रहती है। ब्राह्मी का जो मेन काम होता है वो आपके स्ट्रेस को रिमूव करना होता है। हम तेल लगाते हैं डायरेक्ट सिर के स्कैल्प पे लगाते हैं और हमारी जितनी नर्व सेल्स होती हैं उनको ये बहुत ही रिलीफ पहुँचाता है। उसके बाद हमने ये लिया है नागर मोथा, ये भी हमारा 25 ग्राम है। ये भी आपका हेयर फॉल, हेयर शाइनिंग और हेल्दी हेयर के लिए बहुत अच्छा ये इंग्रेडिएंट है। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना तेल बनाना। सबसे पहले हमने गैस में बिल्कुल फ्लेम को लो करके, मतलब आप कह लीजिए छोटे वाले बर्नर पे हमने इसको यूज़ किया है और उस पर हमने कढ़ाई अपनी चढ़ा दी है। आप कोशिश करिएगा अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई हो तो वो बहुत अच्छा है। सबसे पहले हम इसमें आंवला डालेंगे। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, इसमें मैंने तेल को गरम नहीं किया है कि बहुत ज़्यादा ये गरम हो, ठीक है, हल्का ये मेरा गरम होना शुरू हो गया है। और अब हम धीरे धीरे करके अपने सारे पीसेज हम आंवला के डाल देंगे और इसी तरह अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें डालते जाएंगे और इनको धीरे धीरे करके मिक्स करते जाएंगे। ध्यान दीजिएगा कि तेल आपका बहुत गरम नहीं हो, नॉर्मल हमने फ्लेम ली है और बिल्कुल हल्का गरम तेल है हमारा, क्योंकि हमें इसे बहुत अच्छे से पकाना है। हमें पकाना कितना है, जब तक कि आंवला हमारा इसमें बिल्कुल ही काला नहीं हो जाता, बिल्कुल डार्क ब्राउन हो जाता है उसमें, ये बिल्कुल सोख हो जाएगा तेल इसमें। और जैसे ये अभी बिल्कुल हरा दिख रहा है उस समय मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में, ये बिल्कुल ही काला हो चुका है। ये देखिए इसमें कितना अच्छा मिक्स हो गया है पूरा तेल हमारा, सब चीज़ों को उसने अच्छे से डिप कर दिया है। आप चाहो तो आप 200 ml आप तेल और बढ़ा सकते हो, क्योंकि आपके पास आइटम ज़्यादा हैं। अगर आपको लगता है कि हम थोड़ा सा इसमें और तेल ले सकते हैं तो आप इसमें 200-250 ml आप तेल और इसमें यूज़ कर सकते हैं। और अब हमें इन्हें अच्छे अच्छे धीरे धीरे हाथ से चलाते रहेंगे और हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि हमारा ये अभी ये जो हरा है आंवला ये बिल्कुल डार्क ब्राउन, ये देखिए इस तरह नहीं हो जाए, जैसे ये हमारे ये है ना सारी जड़ी बूटियाँ, इनकी तरह हमें बिल्कुल इसे पकाना है। ये देखिए करीब 15 मिनट बीत चुका है और आंवले की जो शक्ल है वो देखिए ऐसी है। आंवले बहुत अच्छे से इसमें एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं, पक चुके हैं, लेकिन अभी हमें फिर भी 10 मिनट हमें इन्हें और ब्राउन करना है। देखिए ये जितना अच्छे से पकेगा उतना सारा अर्क, मतलब जितना एक्सट्रैक्ट है इन सारी जड़ी बूटियों का, बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स का, वो सब इस तेल में आ जाएगा। ये सबसे अच्छा सीज़न है इस तेल को बनाने का, बिकॉज इस सीज़न में आपको आंवला बिल्कुल ताज़ा मिलेगा। आप इसको, क्योंकि ये पक रहा है तेल, आप इसको साल भर के लिए भी इसको अच्छे से स्टोर कर सकते हैं। अब ये तेल हमारा करीब 10 मिनट तक अब हम इसे और पका लेंगे, जिससे ये जो हमारा हल्का सा अभी लाइट ब्राउन दिख रहा है आंवला वो भी अच्छे से पक करके थोड़ा डार्क ब्राउन हो जाए। उसके बाद हम इसे ठंडा करेंगे और अब हम इसे फिर हम छानेंगे। गैस ऑफ कर दिया है, तेल अच्छे से गर्म हो चुका है और जितना हमारा हमने सब कुछ जो डाला था वो बहुत अच्छे से इसमें पक चुका है। तेल का कलर आप देख रहे हैं, ये देखिए कितना अच्छा ये बन गया है। और ये देखिए आंवला हमारा ये कुछ इस तरह का हो गया है। मैं यहाँ पे एक बात ही बोलना चाहूँगी, सपोज़ किसी को इसमें जो मैंने जड़ी बूटियाँ डाली हैं वो नहीं मिलती तो कोई बात नहीं है, बाकी जितने इंग्रेडिएंट्स हैं अगर आप उसको भी डाल करके अगर ये तेल तैयार करते हैं तो भी ये तेल बहुत ही हेल्दी रहेगा। अब हम लोग इसको छोड़ देंगे थोड़ा ठंडा होने के लिए। ये बिल्कुल जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए तेल अब ठंडा हो चुका है, हम इसे धीरे धीरे सारे हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे। देखिए तेल हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है, हमने इसे स्ट्रेन कर लिया है। आप चाहो तो इस ऑयल को आप वापस से उसी बॉटल में रिस्टोर कर सकते हैं जिस बॉटल में हमने ये तेल लिया था, और इसे आप साल भर आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने का तरीका है 2 से 3 बार आप हफ्ते में इसको अप्लाई कीजिए हल्का हल्का गुनगुना करके, लेकिन गुनगुना जब करिएगा तो इसे डायरेक्टली गैस में मत इसको वो करिएगा। आप एक गर्म पानी का बाउल लीजिए, उसमें आप इसको रख दीजिए कटोरी के साथ और तब आपको इनडायरेक्टली इसको गर्म होने दीजिए, और करीब एक वीक के बाद यूज़ करने के आपको खुद ही इसका दिखेगा कि इसका असर आपके बालों पे कैसा है। आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा, क्या फ़ायदा हुआ आपको, और आपको कोई भी और मेरे से वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट में ज़रूर मुझे मेंशन कीजिएगा। और आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आने वाले मेरे वीडियोज़ आप कभी मिस ना करो।